सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को जानकारी दे दें कि CSIR की तरफ से माइनिंग की रिक्वायरमेंट आ चुकी है। यहाँ पर डायरेक्टली रिक्वायरमेंट है, ओनली एक इंटरव्यू होगा और आप लोगों का सिम्फर में जॉब लग जाएगा। यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होता है, तो आइए बात करते हैं पूरे नोटिफिकेशन के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन कि दोस्तों, अगर आप लोग BCCL ओबरमेन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को बता दें कि हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, क्लासेस चल रही है। इसके अलावा हमारे पास माइनिंग सरदार, ओबरमैन, माइनिंग मैट, ब्लास्टर, फोरमैन, इसके अलावा सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, सभी लोगों के लिए एग्जाम के लिए नोट्स अवेलेबल है। तो कांटेक्ट जरूर कीजिए, नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके अलावा माइनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च की तरफ से रिक्वायरमेंट आ चुकी है। यहाँ पर जो है 27 फरवरी, 28 फरवरी, 29 फरवरी, इसके अलावा 4 मार्च 2024 को एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू आपको बता दें कि धनबाद झारखंड में सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को जानकारी दे दें कि यह जो है 13 फरवरी 2024 को ये रिक्वायरमेंट आ गई थी, पर हम जो है वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गए। पर अभी भी आप लोगों के पास मौका है, डायरेक्टली इंटरव्यू है, तो आप लोग पहुंच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए बात करते हैं कि किन लोगों को किस डेट में इंटरव्यू के लिए जाना है, यानी कि डिग्री डिप्लोमा के लिए दोनों के लिए अलग अलग तारीख जो है वह डिसाइड की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो एज लिमिट रखी गई है कैंडिडेट की, वह जो है अपना 21 साल से लेकर के 50 साल एज हो सकती है। इसमें जो है आपका दो चीज़ें डिपेंड करती है। सबसे पहला यह है कि आपका जो है अपना प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 21 से 50 साल, इसके अलावा प्रोजेक्ट असिस्टेंट सेकंड के लिए 21 से 35 साल की एज रखी गई है। आइए बात करते हैं, इसमें जो है आपका सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा वालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने माइनिंग इंजीनियरिंग में या फिर जियोलॉजी में या फिर केमिस्ट्री में BSc करके रखा है, डिप्लोमा करके रखा है, या फिर CE इलेक्ट्रॉनिक्स में जिनके पास डिप्लोमा है, BSc है, उनके लिए रिक्वायरमेंट की हम बात करें, तो उनके लिए जो है आपका सबसे पहले आप देख सकते हैं BSc केमिस्ट्री जियोलॉजी के लिए 1 सीट, इसके अलावा डिप्लोमा इन BSc इलेक्ट्रॉनिक्स CE के लिए 2 सीट, इसके अलावा डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग जियोलॉजी के लिए 5+1+1 यानी कि 7 सीट पर रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट सेकंड, इसमें डिग्री वालों का होगा, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले बोला है MSc की डिग्री होना चाहिए जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी में। इसके अलावा जो है BSc MSc दोनों होना चाहिए। इसके अलावा BTech इन माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए 3 सीट है और BSc वालों के लिए 1 सीट है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यू का जो डेट है BTech माइनिंग इंजीनियरिंग वालों का, वो है 4 मार्च 2024। इनके अलावा MSc, MTech या फिर अप्लाइड जियोलॉजी के लिए 27 फरवरी को इंटरव्यू है। इंटरव्यू के दौरान आपको 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, डिप्लोमा, इसके अलावा जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके अलावा जात निवास, और इसके अलावा जो है आपका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है, जैसे ST SC OBC का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, वो लेकर के ये फॉर्म भर लेना है। फॉर्म आप लोगों को CSR की वेबसाइट पर मिल जाएगा, इसके अलावा इंटरव्यू में चल